उत्तराखंड टूरिज्म स्टेट है और टूरिज्म स्टेट में बारटेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग है। हम लोग इस समय मौजूद हैं आम्रपाली इंस्टीट्यूट में और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हैं कुछ, वो जो है शानदार बारटेंडिंग करते हैं। कई होटल्स में जिस तरीके की 5-स्टार या 3-स्टार प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें जिस तरीके की बारटेंडिंग होती है एक कॉन्सेप्ट के साथ में वो करते हैं। हम उन्हीं से स्टूडेंट से बातचीत करते हैं कि उन्होंने क्या सीखा और आखिरकार कैसे जो है उनकी बारटेंडिंग औरों से अलग है। क्या नाम है आपका? जी सचिन कुमार। सचिन, किस तरीके की बारटेंडिंग की आप इम्पोर्टेंस देखते होंगे, क्यों जो है लोग बार में आते हैं और जो बारटेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? जी बेसिकली अगर मैं आपसे बारटेंडिंग के बारे में कहूँ तो देखिए, जैसे आप नॉर्मली अगर आप एक बोतल लेते हैं साइड में बैठ जाते हैं, बट उससे आपका क्या है कि एंटरटेनमेंट नहीं होगा। आप बार में आते हैं तो आप एक एंटरटेनमेंट की उम्मीद करते हैं कि आपको जो बारटेंडर है नई नई कॉकटेल्स इन्वेंट करके आपको पिलाए और मतलब कि आपको थोड़ा मजा आए, ताकि आप अगर कोई अकेले बैठा है तो उसको वैसे नॉर्मली अल्कोहल कंज्यूम करने में थोड़ा हेजिटेशन सा होता है, बट अगर वो बार में आता है तो बारटेंडर के साथ फ्रेंडली होता है, थोड़ा खुलता है आदमी, तो इसीलिए वो बारटेंडिंग के लिए मतलब बार में आता है बेसिकली। आपसे जब बात हुई थी आपने बताया कि जो महिलाएं हैं वो कौन सी जो है क्या पसंद करती हैं, कई बार आपने बार्स में देखा होगा और आपके कोर्स में भी होगा, तो वो किस तरीके की जो है पसंद करते हैं वो आप थोड़ा बताएंगे? जी महिलाएं वैसे ज़्यादातर जब तक मैं बार में काम कर रहा तो आपका महिलाएं जो है मॉकटेल्स ज़्यादा पसंद करती हैं और जैसे वर्जिन आपका वर्जिन पीना कोलाडा वर्जिन मोई, तो ये सब जो है आपका बेसिक जो कॉकटेल्स हैं उनका मॉकटेल वर्जन ज़्यादा प्रेफर करती हैं एज़ कम्पेयर टू कॉकटेल्स। कॉकटेल्स ज़्यादा जो है वो मॉकटेल्स पसंद करती हैं। तो कॉकटेल्स के लिए आते हैं क्या मन में किस तरीके से, जैसे आप लोग रीड भी करते होंगे उनकी जो मनोवैज्ञानिक तौर पर, तो क्या देखते हैं कि क्या चीज़ जो है वो कितनी उस मात्रा में लेते हैं? जी नहीं, मात्रा का ऐसा कोई नहीं है। जैसे आपका हमारे स्टैंडर्ड स्पेसिफिक रेसिपीज होती हैं, तो हम जैसे अगर आप मेरे से कहते हैं कि वर्जिन मोहितो दीजिए तो मैं आपको विदाउट अल्कोहल दूंगा। अगर आप मेरे से कहते हैं कि मोहितो दीजिए तो मैं मोहितो जैसे स्टैंडर्ड रेसिपी है उसका तो मैं वैसा ही आपका प्रेजेंट करता हूँ। अब हमारे लिए क्या है कि हम उत्तराखंड स्टेट से हैं तो हमारे लिए गेस्ट इज गॉड, तो जैसा गेस्ट हमसे मांगता हूँ वैसे ही उसको प्रेजेंट करते हैं। जैसे उत्तराखंड में जो कल्चर है हमारा, उस कल्चर में जो फ्रूट्स हैं या उसकी जो रेसिपीज़ हैं और जो हमारे कल्चर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे साथ में एक साथी और हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके के कल्चर, उत्तराखंड के जो कल्चर है उसको आप बारटेंडिंग से कैसे जो है उस कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं। हम बारटेंडिंग को इस कल्चर, हम कल्चर से रिलेट करते हैं। हम जो हमारे प्रोड्यूस्ड होते हैं पहाड़ में फ्रूट्स, उसको हम यूज़ करके कॉकटेल्स बनाते हैं, जैसे कि आपका माल्टा हो गया, चूक हो गया, मेलन हो गया, तो हम ये सब हमारे प्रोड्यूस्ड होते हैं वहाँ पे, तो हम इसको मिक्स करके कुछ नया इन्वेंट करके इनोवेटिव कॉकटेल बनाते हैं और गेस्ट को टेस्ट करवाते हैं। इससे अच्छा होता है, टेस्ट इन्वेंट होता है और हमारा कल्चर भी रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है, चूँकि आप भी जो है स्पेशल कुछ प्लान किया था, क्या है वो जो स्पेशल जो आप बताने वाले हैं? देखिए मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर कि जो हमारी फायर फ्लेयरिंग है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब बार के अंदर वो कैसे काम करती है, आखिर क्यों की जाती है फायर फ्लेयरिंग। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो बार का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए आया था कि लोग आएँ और अपनी ड्रिंक को इन्जॉय करें कुछ नए इंटरटेनमेंट के साथ। जो स्टार्टिंग बार का कॉन्सेप्ट था वो ऐसे ही आया था बार का कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए जो आजकल हम देखते हैं बार में फ्लेयरिंग की जाती है, आजकल आप देखें तो ड्रिंक कम और फ्लेयरिंग बहुत ज़्यादा की जाती है बार के अंदर। और उसका रीज़न यही है कि गेस्ट वहाँ पर दिन भर का प्रेशर रहता है, सबको इतनी सारी जॉब्स वगैरह रहती हैं, दिन भर का लोड रहता है, फैमिली प्रेशर सब सारा बॉस आपको पता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस सबको कम करने के लिए कोई भी जो एम्प्लॉय है या फिर कोई भी काम करता है जो, या कोई भी ड्रिंक करने वाला जो कंज्यूम करने वाला जिसको कि प्रेशर अपना रिलीज़ करना है, वो बार के अंदर जाता है और कुछ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बारटेंडर को ऑर्डर करता है, जो बारटेंडर उसे सर्व करता है विथ कुछ इंटरटेनमेंट के साथ जो कि उसको थोड़ा रिफ्रेशमेंट दे। वो ड्रिंक तो पी रहा है बट उसके साथ साथ उसे कुछ अलग सा फील हो, मतलब उसका मूड रिफ्रेश हो, तो यही है फायर फ्लेयरिंग। जो आजकल वैसे पहले जो स्टार्टिंग टाइम था उस टाइम पे फ्लेयरिंग चलती थी नॉर्मल सी फ्लेयरिंग, बट इसको अब आगे अपग्रेड किया गया है जो कि फायर फ्लेयरिंग है, इसलिए आप देखते हैं कि आए दिन जो हमारे बारटेंडर हैं वो फायर फ्लेयर की ओर ज़्यादा जा रहे हैं और नई नई चीज़ें इन्वेंट की जा रही है फ्लेयरिंग से रिलेटेड, ताकि गेस्ट जो भी बार के अंदर आता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश की जाए।
मन उनका हल्का होता है आपके उससे? यस सर, ऑफ कोर्स होता है। आप अगर आपको दिन भर का प्रेशर है, उसके बाद आप अगर एक चिल्ड कोई इनोवेटिव कॉकटेल या फिर आप कोई क्लासिकल कॉकटेल पीते हैं और विथ एंटरटेनमेंट के साथ आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा है और आपको वहाँ पर एक चिल्ड कॉकटेल सर्व की जा रही है, आपको कुछ अलग सा जगलिंग वगलिंग सारी चीज़ें दिखाई जा रही है, तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आपका मूड रिफ्रेश तो होगा ही, ऑफ कोर्स ही बात है। मूड रिफ्रेश करने के लिए आम्रपाली के स्टूडेंट एकदम तैयार हो रहे हैं, अभी सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट से कुछ। आपका कौन सा ईयर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय धामी है, मेरा थर्ड ईयर। थर्ड ईयर है आपका, तो आप जो है क्या चीज़ बताने वाले हैं, क्योंकि आपने जो मिथ की बात की थी एक बार कि जाड़ों में जो है इस वाली वाइन को लेना चाहिए या जो है कौन सी शराब को लेकर जो है लोगों का जो मिथ है उसको कैसे दूर करेंगे? सर, बेसिकली आजकल एक बहुत बड़ा मिथ चल रहा है कि मार्केट में लाइक हमें गर्मियों में विस्की या टकीला वोडका ये सब चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए और सर्दियों में हमें रम कंज्यूम करनी चाहिए। सर, बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ा मिथ है और ये डिपेंड करता है आपके टेस्ट पे। सर, लोग जैसा कंज्यूम करना चाहें वैसा कंज्यूम कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट वगैरह नहीं होते हैं और अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। रम को लेकर लोग कहते हैं कि जाड़ों में जो है रम पी जाएगी, गर्मियों में नहीं पी जाएगी। सर, बेसिकली रम का ऐसा होता है उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है सर, तो सो वो अंदर से एक हीट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि इसको कंज्यूम नहीं कर सकते गर्मियों में। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं विद डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली इसको मना किया जाता है। लेकिन आपके अगर टेस्ट बड अच्छे हैं, आप कंज्यूम करना चाहते हैं उसमें कुछ इनोवेटिव एड ऑन करके, तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। बरसात का भी है कुछ जो है, जाड़ा गर्मी और बरसात? सर, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो होता नहीं है, वो आपके ऑल डिपेंड ऑन यू सर। जैसा गेस्ट डिमांड करता है हम उसी तरह की ड्रिंक उनको देते हैं, उसी तरह का अल्कोहल उनको देंगे, उसी टाइप जो अमाउंट वो बोलते हैं उसी अमाउंट में हम उनको सर्व करते हैं। बिल्कुल, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार आम्रपाली के वो स्टूडेंट्स हैं जो बारटेंडिंग को लेकर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में देश में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं। न्यू स्टूडेंट नेटवर्क में आज हम बारटेंडिंग से रिलेटेड इन वीडियोस को भी आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके की स्पेशल बारटेंडिंग उत्तराखंड में चल रही है। नमस्कार दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।